लेक्चर तमाम चौथी क्लास के बच्चों के लिए है, तो उनसे गुजारिश है बेटा तमाम बच्चे अपनी अपनी किताब खोल लीजिए। बेटा सबक नंबर एक हमारा सफ़ा नंबर 5 पर है, एक बार फिर देख लीजिए सफ़ा नंबर 5। सबक नंबर एक, इसका नाम है हम्द। हम्द ओरली बता रही हूँ किसे कहते हैं, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ को बयान किया जाए उसे हम कहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके लाइंस पढ़कर बता रही हूँ और मतलब भी साथ साथ बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। खुदा ने बनाए हैं दोनों जहाँ, जमीन पर है साया फिगन आसमां। अब मैं आपको इन दो लाइन का मतलब बता रही हूँ कि जिस तरह खुदा ने दो जहाँ बनाए हैं, दो जहाँ कौन से, एक दुनिया एक आखिरत, ये दो जहाँ हैं, तो इन दो जहानों को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है, और ज़मीन पर साया फिगन, साया फिगन का मतलब साया किए हुए। अब ज़मीन है आपने देखा है नीचे की तरफ है, लेकिन आसमां ऊपर की तरफ है, तो आसमान ने ज़मीन पर साया किया हुआ है, साया फिगन। समंदर हूँ दरिया हूँ या कुहेसार, यह उसकी कुदरत के नक्शो निगार। यानी इन लाइन का मतलब है समंदर हूँ दरिया हूँ या कोहिसार हूँ, यानी पहाड़ हूँ मैं, दरिया हूँ, समंदर हूँ, ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वो खुद कह रहे हैं कि ये हम भी अल्लाह ताला की कुदरत हैं। नक्शो निगार, नक्शो निगार का मतलब बेल बूटे फूल पत्ते समंदर दरिया सब अल्लाह की कुदरत को बयान कर रहे हैं। वो है सारे पेड़ों का तखलीकार, हमें उनसे मिलते हैं फल बेशुमार। यानी अल्लाह ताला ही पेड़ों का भी बनाने वाला है, पेड़ों पर जो फल लगाए हैं बेशुमार वो भी अल्लाह ताला ने ही बनाए, उनका भी तखलीकार कौन है, यानी बनाने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। उसी ने किए खल्क शम्सो कमर, बने उसकी हिकमत से शामो सहर। अब क्या, उसी ने किए खल्क, खल्क माने अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं शम्सो कमर, शम्स सूरज, कमर मतलब चांद, इन दोनों को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। तो उसी की ये हिकमत है कि जब सूरज निकलता है तो दिन होता है, और जब कमर यानी चांद निकल जाता है, सूरज ग्रूब हो जाता है, तो क्या होता है, रात होती है। बेटा ये आपका 15 जून 2020, ठीक है। अब आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका 16 जून का काम है। उसी ने परिंदों को पैदा किया, बहुत से हैं उनमें फलक आशना। यानी अल्लाह ताला ने परिंदों को पैदा किया है, आप लोगों को पता है बेशुमार परिंदे हैं, लेकिन बहुत से हैं उनमें फलक आशना, लेकिन फलक आशना यानी फलक को यानी आसमां को जानने वाले कुछ कुछ परिंदे, क्योंकि हर परिंदा आसमान में नहीं उड़ सकता, कुछ परिंदे हैं जो आसमान में उड़ते हैं, कुछ हैं जिनकी उड़ान इतनी नहीं है, वो नीचे उड़ते हैं। तो फलक आशना का मतलब फलक को यानी आसमां को जानने वाले कुछ कुछ हैं जो कि काफ़ी ऊपर तक उड़ते हैं। है वैसे तो सब तितलियां खुशनुमा, बनाया है जुगनू को उसने दिया। यानी वैसे तो तमाम तितलियां आपने देखा है कितनी कलरिंग होती है उसमें, हर अलग अलग कलर की होती हैं, खुशनुमा मतलब खूबसूरत होती हैं, लेकिन अल्लाह ने फिर भी छोटे से परिंदे जुगनू में क्या किया, उसने दिया यानी उसमें रोशनी डाल दी अल्लाह ताला ने। है सारे ज़माने पे उसकी नज़र, है अर्ज़ो समा उसके ज़ेरे असर। यानी अर्ज़ो समा भी अल्लाह ने ही बनाए हैं, अल्लाह ताला ही बनाने वाला है, और सारे ज़माने पर किसकी नज़र है, अल्लाह ताला की है। अगर एक छोटी सी चूंटी भी अंधेरे में यानी रूम में अगर कमरे में फिर रही होगी, अल्लाह उसको भी देख लेगा। अगर एक सुई भी गिर जाएगी ना, वो भी हम नहीं देख सकेंगे, अल्लाह देख लेगा। अल्लाह की एक एक इंसान पर एक एक चीज़ पर नज़र है। वही रिस्क देता है हमको निसार, वही तो है सबका परवरदिगार। यानी अल्लाह ताला ही हमारा परवरदिगार है, वही हमें रिस्क देगा। इंसान जो है ना वो एक ज़रिया है। अब हम काम करते हैं अलग अलग, कोई क्या काम करे कोई क्या काम करे, ज़रिया अलग होता है लेकिन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर आप एक जंगल में जाकर भी बैठ जाएंगे ना, वहाँ कोई नहीं होगा। अगर अल्लाह ने आपको रिस्क देना है वो वहाँ भी आपको देगा, लेकिन आपने बस कोशिश करनी होगी। तो बेटा यहाँ ये 16 का काम है, एकदम वाइंड अप होती है यानी ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। इसके शायर जो हैं वो डॉक्टर निसार अहमद निसार हैं।
हमारी जो डायरी है वो क्या है कि आपने 15 और 16 जून की सेम डायरी बता रही हूँ कि ये पूरी हमको आपने अच्छे से याद करना है, एक एक लफ्ज, इसके मुश्किल अल्फाज, इनको आपने, मैंने ज़बर जेर सब लगाया हुआ है, इनको आपने याद करना है और ये पूरी हमद आपकी सुनी जाएगी। तो बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना काम करें और अच्छा फीडबैक हमें आपने देना है और 19 को आपने तमाम अपना ही काम सबमिट कराना है। बेटा स्कूल के पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी लाजमी करना। तो बेटा स्टे होम, अपने घर रहें, सेफ़ रहें, अपने प्यारों के साथ एहतियात के साथ।